बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। नया हफ्ता शुरू हो गया जनाब, और हमेशा की तरह ये देखते हैं कि नई उमंगें होती हैं, दुआएं होती हैं, और बिलखसूस ये जो मुबारक महीना रमज़ान का, रमज़ानुल मुबारक का है, इसके अंदर तो वो दुआएं हमारी जो हैं वो कबूल अल्लाह ताला करता है कि जो शायद एक अरसा हो जाता है और नहीं कबूल हो रही होती। इस मुबारक महीने के हवाले से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत सारी दुआएं उनकी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है इस महीने की बरकत से। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जिसने रमज़ान के रोज़े पाए और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सका या गुनाहों से तायब ना हुआ तो वो बद नसीब है। तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे नसीब जो है सबके वो नेक कर दे और हमें हमारे गुनाहों से माफ़ी दे दे। नाज़रीन, ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है, और आप लोगों की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के करम से यहाँ तक आगे बढ़ते आ रहे हैं। आगे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट सेक्शन में अपने कीमती कमेंट्स जो है ना वो ज़रूर दें ताकि हमें आगे बढ़ने में अल्लाह ताला और मदद करे। इसके अलावा एक हमारा इंस्टाग्राम पे भी हैंडल है dr.malieastrologer, अगर आप उसको भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी फॉलो कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग जायचा, कोई कॉरपोरेट रीडिंग जो है अपनी कंपनी के हवाले से कोई भी मालूमात आप लेना चाहें, अपना जायचा बनवाना चाहें, कुरान करीम रंग रोशनी खुशबू की मदद से अपने कोई भी नफ्सियाती हैं मामलात, ज़हनी मामलात हैं, कोई समाजी मामलात हैं, उनके सिलसिले में अगर कोई कंसल्टेशन चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन अगर चाह रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, तो ये जो दो नंबर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इन पे कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम जो है वो बुक कर लीजिए। सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको इन दोनों नंबर से मिल जाएंगी कि क्या तरीक़ाकार है। बाकी इस हफ्ते के हॉरोस्कोप की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, हमारा अगला बुर्ज जो इस हफ्ते की रीडिंग के लिए है वो लिब्रा है। लिब्रा यानी मीजान, जिसका अरसा जो है वो 24 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का शुमार किया जाता है, या वो ख्वातीनो हज़रात जिनके नामों के पहले हरूफ रे ते और तोए से जो जिनके हैं पहले हरूफ उनका ताल्लुक जो है वो भी बुर्ज मीज़ान से है, ठीक है। और मीज़ान का जो हाकिम है वो जोहरा यानी वीनस है, और इससे मंसूब जो दिन है वो जुमे का दिन है, और दिन सारे अल्लाह ताला के जो हैं वो बेहतरीन होते हैं। और रंग जो है इससे मंसूब वो हल्का नीला रंग है, और लकी नंबर इसका 6 है, और इससे जो मंसूब पत्थर हैं कीमती जेम स्टोन जिनको हम कहते हैं, जो आपकी तकदीर को बदलने पे कादिर तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर यह है कि कोई अगर कोई जिस्मानी आर्जा है, बीमारी है, कोई नफसियाती इशू है, इस तरह की कोई चीज़ है तो वो बतौर दवा आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, वो भी अल्लाह ताला अगर चाहे तो। वो पत्थर जेम स्टोन जो हैं वो ओपल है, ओपल सफ़ेद पुखराज, ये आप पहने चीज़ें आपकी अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो सकती हैं, ये जो सेहत वाले मामला थे। इस हफ्ते की रीडिंग जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका बुर्ज मीज़ान है, अरसा ये है जो मैंने बताया, और जो नामों के हरूफ हैं पहले रेते और तोए हैं, और जिन आपका ताल्लुक जिस भी शोभा ज़िंदगी से है
यानी आप डॉक्टर हैं, मरीज हैं, इंजीनियर हैं, मरीज हैं तो अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, इंजीनियर हैं, फिर स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है, हाउसवाइफ हैं, जिंदगी के किसी भी शोबे से हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में जनाब अली जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं पहले बताता हूँ आपको कि इनामी स्कीमें, लॉटरी वगैरह, बॉन्ड्स, अगर आप ये इनको मतलब खेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को इसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। आपकी तवज्जो जो है अपनी ज़ात पे रहेगी, इसके साथ साथ आपकी तवज्जो अपने बहनों भाइयों के ऊपर भी रहेगी। ओवरऑल एक फैमिली की रीवैम्प करने का जो टाइम है ना वो भी रहेगा। कर्जा लेना चाहते हैं तो कोशिश करें, आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। बाकी अपने बहन भाइयों से भी कांटेक्ट में रहें। कारोबार से वाबस्ता जो अफराद हैं ना उनको चंद एक मसाइल का सामना हो सकता है, अल्लाह ताला दूर करना चाहते हैं, दूर भी हो सकता है। अच्छा, आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी विरासत वगैरह का जो मसला है तो कोशिश करें, हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और उम्र आपकी उम्र से जो बड़े लोग हैं ना, अगर उनसे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको हेल्प आउट करते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और जो आपके लाइफ पार्टनर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे बैलेंस्ड जो है वो नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये है कि जो रुपया पैसा आपको एडिशनल मिल रहा है ना उसको प्रॉपर जगह पे खर्च करें, वरना यही होगा कि इस हफ्ते आपको गेन हुआ तो आने वाले हफ्ते खुदा ना खास्ता फजूल खर्ची की वजह से परेशानी का शिकार का बायस ना बन जाए। बाकी ये है कि खुफिया किस्म के जो दुश्मन हैं, नादीदा पोशीदा, उनकी तरफ से साजिशों वाली चीज़ होगी, मगर अल्लाह ताला आपको सेफ एंड साउंड रखेगा इंशाल्लाह ताला। सेहत में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला, मगर ये है कि ज़हनी परेशानी को सवार नहीं होने देना। अच्छा, इस टाइम में ये है कि अगर आप अंदरूनी मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं अपने कारोबार जॉब से रिलेटेड, तो ये एक बेहतरीन वक्त है अल्लाह की मेहरबानी से। अंदरूनी मुल्क जो रिश्तेदार और यार दोस्त हैं उनसे भी आप मिलने के लिए जाते हुए नज़र आते हैं, कुछ काम भी रहेंगे, मुलाकात भी रहेगी। कानूनी मामलात का जो फैसला है वो इंशाल्लाह आपके हक में होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो अफराद जो शराकती कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर वो अफराद जो नया काम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, तो उनको चाहिए कि इस वीक में थोड़ा सा ना करें, नेक्स्ट वीक तक इसको ले जाएं, ठीक है। और इसके अलावा ये है, अच्छा वैसे काम यही है कि थोड़े पैसों से कर लें, काम अपना करें, अगर इस हफ्ते में करना ना पार्टनरशिप वाला नया काम इस हफ्ते में नहीं करना। इस हफ्ते जो बेस्ट मैच है आपका वो बनता है जनाब कैंसेरियंस के साथ, तो आप जो हैं वो अगर कोई दोस्ती है, आप यूनिवर्सिटी में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, कोई आपके दोस्त बन रहे हैं कैंसेरियंस, अच्छी दोस्ती चलती है इंशाल्लाह, रिश्ते शादी की बात हो रही है वो अगर इस हफ्ते में होता है इसके साथ लिब्रा और कैंसर वाला, तो ये बेस्ट है इंशाल्लाह। और कई दफ़ा ये जो है ये चीज़ बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं मिलकर तब भी ठीक है, अल्लाह ताला खैरियत के मामला रखेगा इंशाल्लाह ताला। अपनी जो है ना इबादात उनको इंटैक्ट रखा करें, जिस मज़हब से भी हैं आप, मज़हब फिरका मसलक सारी चीज़ें हैं तो बनाई उसने है ना, सजदा तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ही कर रहे हैं, कोई सजदा कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, अल्लाह तो खालिक और मालिक है ना, उसके साथ अपना रिलेशन उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करके वो रखें। इसके बाद दूसरा आप ये करें कि जो सदकात हैं उनको मुस्तहिकीन को दें, अनाज वाली जो अनाज है ना तो उसके सदकात दें, और इसके अलावा जो चरिंद परिंद हैं परिंदों की खिदमत करें ताकि वो भी आपके लिए दुआ करें। फिर दुरूद पाक की कसरत करें नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आल औलाद पे। और इसके अलावा आप ये कीजिए कि अस्तगफार जो है इसकी कसरत आपने करनी है। अस्तगफार की कसरत से ये है कि चीज़ें जो हैं रिस्क वाली वो बढ़ती हैं इंशाल्लाह।
फिर इसके अलावा आपने ये करना है जनाब कि इस वीक में आपने सूरह जासिया जो है ना, सूरह जासिया इसकी आपने तलावत जो है ये करते रहना, और फिर अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो देखें कि कैसे नाजिल होती हैं आप इंशाल्लाह। नाज़रीन, अगला जो हमारा इस हफ्ते का बुर्ज है जिसकी हम कैलकुलेशन आपकी खिदमत में अभी मैं पेश करूंगा, वो है बुर्ज अकरब। अकरब को हम इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो जो है इसका हाकिम सियारा वो मरीख है, और इसका जो टाइम है ना स्कॉर्पियो का 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का शुमार किया जाता है, या वो ख्वातीनों हजरात या आपका जो भी जेंडर है जिनके नाम नून से या ये से शुरू होते हैं वो भी बहुत हद तक स्कॉर्पियो के साथ ताल्लुक रखते हैं। नाम ध्यान से रखा करें, क्योंकि नाम आपने रख दिया नून और ये से, इस हिसाब से बन गए आप स्कॉर्पियो, और तारीख पैदाइश आपकी आ रही है लिब्रा की, यानी 24 सितंबर से 23 अक्टूबर, तो फिर क्या बनेगा। तो मतलब ये है कि खवास फिर दोनों के आएंगे, तो फिर दो और उसको देखने पड़ेंगे। तो ये करें कि जो मैं नाम बताता हूँ, मतलब मैं नहीं बताता, ये एस्ट्रोलॉजी बता रही है, स्कॉर्पियो है ना, इसके लिए नून और ये से रखे नाम, बिल्कुल फिट बैठता फिर काम। इससे जो मंसूब दिन है वो मंगल का दिन है, और दिन जो होते हैं वो सारे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए, ठीक है। नाइन का आदत जो है, नौ नंबर जो है इसका लकी नंबर है, और इससे मंसूब जो रंग जो आपकी जिंदगी में खूबसूरत धनक के रंग बिखेर सकते हैं वो सुर्ख रंग है या किरमजी रंग है, दो रंग है, ये पहना करें, और इससे शख्सियत के ऊपर बड़ा अच्छा असर आता है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। और मरजान, गार्नेट और टोपैज वो पत्थर हैं जो तकदीर तब्दील नहीं कर सकते, तकदीर अल्लाह ने लिखी, तकदीर अल्लाह ने तब्दील करनी है जब वो चाहेगा। ये पत्थर जो हैं ये आपकी सेहत में बतौर दवा शिफा दे सकते हैं, वो भी शिफा देने वाला असल में तो अल्लाह है, ये वसीला बन सकते हैं। इस हफ्ते की जो रीडिंग है बुर्ज अकरब की वो मैं पेश करता हूँ जनाब की खिदमत में। अगर आपका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, जॉब कम्युनिटी से है, हाउसवाइफ हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी जिंदगी का शोभा है आपका ताल्लुक है, आपके लिए ये रीडिंग है, और आपका अगर बुर्ज अकरब है तो इस हफ्ते में ज़्यादा काम की वजह से आपकी सेहत जो है वो खुदा ना खास्ता मुतासर होने का खतरा, लिहाजा मुतात रहें और बस ज़रूरत के हिसाब से काम करें, और अपने साथ जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं ये जो मुलाजमीन हैं उनके साथ बहुत ध्यान से काम करना और लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई अच्छी कोऑपरेशन मिलने के चांसेस नहीं है। अच्छा, इस हफ्ते में ना अगर आप मंगनी और निकाह जैसी रसूमात अदा करना चाह रहे हैं ये एक अच्छा वक्त है, अल्लाह का नाम लें कर लें, ठीक है। खासतौर पे मंगनी यानी दुआए खैर वगैरह जो है उसके लिए अच्छा टाइम है। इसके अलावा काम के दौरान अगर आप लोगों से उलझते हैं तो खुदा न खास्ता आपको कुछ जिस्मानी नुकसान भी पहुंच सकता है, चोट लगने का अंदेशा, खुदा न खास्ता भारी सामान आपने नहीं उठाना, गुरेज करना उससे, और औलाद की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा रहती हुई नज़र आती है, और फजूल खर्ची में इस हफ्ते थोड़ी सी ना कमी महसूस होती है। इसका मतलब है कि इनकम जो है वो सेव होगी, और वैसे भी एडिशनल इनकम जो है वो कहीं ना कहीं से वो आती हुई नज़र आएगी। बाकी ये है कि ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं ना, आपके फर्स्ट इमीडिएट फैमिली के लोग, वो आपको अपने ज़ाती फैसलों में इन्वॉल्व करना चाहेंगे। अगर आपको कोई फैसला करना है उनके लिए तो बहुत सोच समझ के ध्यान से अपने ऊपर सारा बर्डन लिए बगैर जो है वो आपने करना है, तो फिर जो चीज़ें हैं फैसले हैं वो ठीक होते हैं, और किसी के दबाव में आके कोई फैसला आपने नहीं देना। और हुकूमती अहदेदारों से अगर कोई वाबस्ता काम है तो उसके उनके हल के लिए आपके जो ननियाल वाली साइड के रिश्तेदार हैं ना वो आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। और इस अरसे में आपके मुखालिफ जो खुफिया साजिशें हैं वो जारी और सारी रहेंगी,
आपको वैसे चाहिए ये कि अपने दुश्मनों और मुखालफों को कमजोर ना समझें और जो आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं उनकी तवज्जो ज्यादातर इल्म के हुसूल की तरफ ही रहती है नजर आती है। और बाकी एडिशनल इनकम मैंने आपको बताया ये जो नामी स्कीमें वगैरह आप लेते हैं लॉटरीज वगैरह खेलते हैं दूसरे ममालिक में इसमें पैसे आएंगे आप। और बाकी आप अंदरून मुल्क सफर कर रहे हैं या बैरून मुल्क सफर कर रहे हैं अजनबियों के साथ मोहतात रह के आपने अपना हिसाब किताब रखना। अच्छा इस हफ्ते ना आपने अगर मैच मेकिंग के हिसाब से बात करते हैं तो लियो के साथ भी एक अच्छा कम्बिनेशन जो है ना वो आपका बनता हुआ नजर आता है शादी ब्याह के हिसाब से मंगनी के हिसाब से बिजनेस पार्टनरशिप के हिसाब से एक अच्छा एनर्जी का कम्बिनेशन जो है बल्कि एनर्जीज का कम्बिनेशन वो अच्छा बनता हुआ नजर आता है। अच्छा इसके अलावा सदकात वगैरह जो है वो आपने अपनी इस्तेदाद हिसाब के हिसाब से देने हैं दें वैसे अनाज से रिलेटेड जो मामला है ना यानी दाल है चावल है आटा है खाने पीने की चीज़ें जो है वो दें। और जो चरिंद परिंद हैं उनका तो ख़ास ख्याल रखें पानी रखें उनके लिए पीने के लिए दाना दुन का चावल उबाल के रोटियों के टुकड़े ये छोटे छोटे करके अभी मखलूक जो है पानी में जो मखलूक है उसका जो ख्याल है वो करें। और इसके अलावा जो भी आपका मज़हब है मसलक है फ़िरका है सारा कुछ अल्लाह की तरफ जाता है कोई मानता है कोई नहीं मानता मगर असल में मामला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाले ही है ना तो अपने रिलेशंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ठीक रखें उसकी मखलूक के साथ सही सलूक करें अल्लाह बड़ा राज़ी होता है। दुरूद पाक की कसरत करें नमाजें जो हैं रोज़े सब का ध्यान रखें। और इस हफ्ते ना आपने ये करना है कि सूरह मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने इसकी तिलावत करनी है इशा की नमाज के बाद रोज़ाना पूरा हफ्ता अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें अल्लाह ताला से दुआ करें और उसकी रहमतें समेटते रहें। ठीक नाज़रीन जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कौस इंग्लिश में हम इसको सजिटेरियस कहते हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो शुरू होता है 23 नवंबर से और 21 दिसंबर तक रहता है। आपके नाम का पहला हर्फ अगर एफ यानी फे है या ये अरसा है जिसमें आप पैदा हुए हैं तो आप समझ लें कि आपका ताल्लुक जो है बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस के साथ है जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। अच्छा मैं ये जो वीडियोस कर रहा हूँ ना इसके अंदर मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं। देखिए नाम आपने जो रख दिया ठीक है तो वो रखा गया मगर मेरा मकसद बताने का ये है कि जो हर्फ मंसूब हो एस्ट्रोलॉजिकली जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं ये उनके लिए है मतलब ये सबके लिए थोड़ी है कि जनाब फॉर ऑल एंड सन्ड्री जो लोग हॉरोस्कोप बनवाते हैं जो लोग इसको समझते हैं वो एक ख़ास समझ रखते हैं ये उनके लिए है। अच्छा इसका जो है जो हाकिब दिन इसके ऊपर है ना इसे मंसूब दिन वो है थर्सडे जुमेरात दिन याद रखें सारे बेहतरीन जो हैं अल्लाह ताला के होते हैं मगर मंसूबात की कोई ख़ास वजूहत होती है। 3 नंबर इसका लकी नंबर है मुश्तरी का नंबर होता है और ग्रीन कलर जो है ना इससे मंसूब रंग है। और आप जो पत्थर पहन सकते हैं जो मेरा ख्याल है सदियों से ये जो है ना ये चला आ रहा है मुश्तरी के साथ मंसूब है टर्कोइज जिसको हम फिरोजा कहते हैं ना ये जो मैंने पहना हुआ ये तो ये तकदीर नहीं बदलता ये जो है ये अगर आपको कोई मामलात हैं आपके रूहानी हैं दीनी हैं कोई समाजी मसाइल हैं उसके लिए होते हैं पत्थर मगर फिरोजा जो है वो ख़ास तौर पे कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेट करता है या आपका ऑरा जो है उसकी क्लेंजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है अगर ये आपको सही मिल जाए तो तकदीर नहीं बदलता ये बात याद रखिए तकदीर अल्लाह ने बनाई है कोई बदल सकता है। इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं अगर आपकी ये तवारीख हैं जिनमें आपकी पैदाइश हुई या ये आपके नाम का पहला हर्फ है फे और आपका ताल्लुक जो है बिजनेस कम्युनिटी से है
जॉब कम्युनिटी से है, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई भी हैं, किसी भी शोभा जिंदगी से, तो ये रीडिंग इस हफ्ते की आपके लिए है। इस हफ्ते में नए नए लोगों से मुलाकात जो है वो आपकी होती हुई वो नजर आएगी आपको, और इसकी वजह से जिंदगी में काफी सुकून भी आएगा। अच्छे लोगों के साथ, नए लोग और अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होती हुई वो नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। ख्वाहिशात जो है वो भी आपकी बहुत हद तक अल्लाह ताला ने पूरी भी की है, आगे भी अल्लाह ताला ठीक रखेगा इंशाल्लाह। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं उनको अगर कोई काम में परेशानी के सामने है तो वो मसला अल्लाह की मेहरबानी से हल होता हुआ नजर आएगा। बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से अगर नाराजगी रही है वो दूर होती हुई नजर आएगी इंशाल्लाह ताला, ताल्लुकात और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और दूसरा ये कि आप अपना जो रुपया पैसा है वो रफाई कामों में खर्च करते नजर आएंगे, अपना टाइम जो है वो बेटरमेंट के कामों में देते हुए नजर आएंगे, और कानूनी नोए जैसे मसाइल का शिकार हैं इसका फैसला अगर इस अरसे में होता है वो आपके लिए बेहतर ही साबित हो सकता है इंशाल्लाह। सैर व तफरीह के काफ़ी प्लान्स बनते हुए नजर आते हैं मगर ये है कि एक आध पे ही मतलब काम हो सकेगा। ननिहाली रिश्तेदार जो है ना आपके, उनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो वो इंशाल्लाह हल होते हुए नजर आते हैं। आला तालीम हासिल करने के लिए जो तालिबे इल्म जाना चाहते हैं उनके लिए अरेंजमेंट्स बनेंगे इस हफ्ते में इंशाल्लाह, और आप लोगों की तवज्जो भी जो है वो तालीम की तरफ रहती हुई ही नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। और फजूल खर्ची से गुरेज करना है वैसे भी करना है, इस हफ्ते भी करना है। और इसके अलावा जनाब खुफिया दुश्मन या मुखालफीन आपके कामों में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, उनको अपने मकसद में कोई खास कामयाबी मिलती हुई नजर नहीं आती इंशाल्लाह। बाकी जायदाद, गाड़ी, जमीन इसका सौदा करना है, बेचना चाहते हैं तो ये काफ़ी मुनासिब वक्त है, आपको बहुत अच्छी कीमत जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब आते हैं जी हम इस हफ्ते का मैच जो है ना आपका सेजिटेरियस का मैच अच्छा इस दफा बनता है कैप्रिकॉर्न के साथ, शादी ब्याह, बिजनेस पार्टनरशिप, दोस्ती, ये एक अच्छा एनर्जी पैटर्न है जो मैच कर रहा है। इस मौके को जाने नहीं देना, अगर कुछ ऐसा सिलसिला आता है उसको उससे फ़ायदा उठाए। इसके बाद जनाब अली जो मामलात हैं सदकात के, आप ये करें कि कोई दूर दराज के अगर आपके कोई रिश्तेदार अहबाब हैं और वो मुस्तहिक हैं तो सदका इस बार जो आपने इस हफ्ते करना है वो आप उनको भिजवाएं, खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें। और दूसरा आप ये कीजिए कि जो चरिंद परिंद हैं उनकी खिदमत जो पॉसिबल हो सकती है, आप ये मखलूक है उसकी खिदमत करें। इसके अलावा अपनी नमाजों को, इबादतों को, जिक्र अज़कार को वो इंटैक्ट रखें, दुरूद पाक की कसरत करें, और याद रखें इस बात को कि दुरूद पाक इतना खूबसूरत अमल है, इतना खूबसूरत अमल है, इतना खूबसूरत अमल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर वक्त अपने फरिश्तों के साथ दुरूद पाक पढ़ता रहता है, तो हम भी इसमें शामिल हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला की रहमत तो होगी ना हम पे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा सूरह फतह जो है ना वो आपने इस वीक में अपनी तिलावत में रखनी है नमाज इशा के बाद, और ख़ास तौर पे वो ख्वातीन जो प्रेग्नेंट हैं और डिलीवरी का वक्त उनका इन्हीं दिनों के अंदर है तो वो सूरह फतह ख़ास तौर पे पढ़ें। और वैसे भी मुश्किल को आसान बनाने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान पाक उतारा है, एक एक हर्फ इसका शिफा है, मगर सूरह फतह जो है इस हफ्ते और भी ज़्यादा अक्सर का काम करेगी आपके लिए इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है, सितारा भी आप लोग कहते हैं, ज़ोडियक साइन भी कहते हैं, वो है जद्दी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसका जो टाइम है वो है 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का। इसका सैयारा जो है वो जोहल है, सैटर्न, जिसको हमारे कई भाई लोग कहते हैं सैटर्न, सैटर्न होता है इसका बारह, तो वो भी जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, अपना अपना तरीका है। तो
इससे जो मनसूब हरूफ हैं वो हैं ज़े, ज़ाल, ज़ोए, गाफ, सीन, हे और जीम। वैसे भी ना ये आप लोगों का साल है, आठ नंबर वालों का, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों का, तो अच्छा है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए सबके लिए अच्छा करे। इससे मनसूब दिन जो है वो हफ्ते का दिन है, सैटरडे, सैटर्न से सैटरडे, ये भी गौर करें ना। ये देखें एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, मंडे मून डे वो मंसूब है कैंसेरियंस के साथ, ठीक है। बहरहाल ये हर दिन जो है वो मंसूब है, अल्लाह ताला के दिन सारे बेहतरीन है। इसका जो लकी नंबर है वो आठ है। इससे मंसूब जो रंग है वो खाकी रंग है, नीला रंग है, स्याह ब्लैक कलर है, ये इस्तेमाल करें कैप्रिकॉनियंस। शख्सियत पे, जिंदगी पे एक बड़ा अच्छा असर मुरतब होता है अपने इस मंसूब रंग पहनने का। और इससे जो मंसूब पत्थर हैं, कीमती पत्थर, जेम स्टोन्स, जो तकदीर तो नहीं बदल सकते, मगर ये है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर बतौर दवा ये कोई हीलिंग का काम कर सकते हैं। वो पत्थर हैं स्याह की के नीलम है और गार्नेट है, ये पत्थर पहने और अगर अल्लाह का हुक्म है तो शिफा हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं जी आपका जो इस हफ्ते की रीडिंग है उसकी तरफ आते हैं जनाब। सफरी मामलात को सर अंजाम देने के लिए बेहतरीन वक्त है। अच्छा ये मैं आपको पहले बता दूं कि आप चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, हाउसवाइफ हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है तो ये रीडिंग मैं आपके लिए दे रहा हूँ। अगर आपका बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न है तो सफरी मामलात को के लिए बता रहा हूँ कि बेहतरीन वक्त है। और कारोबारी हवाले से बात आप ध्यान में रखिए कि आप अगर कर रहे हैं ना पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो जाती हवाले से सफ़र की बजाय जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं ना उनको आप सफ़र पर रवाना करें। और कारोबारी मफादात के हवाले से ये ऐसा टाइम है कि जब आपकी पर्सनल जो एफर्ट्स हैं इसकी बजाय किसी दूसरे खास तौर पे आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाएं अपने डिसीजन की, यानी डायरेक्ट डिसीजन इस वीक में नागुजीर हैं तो कर लें, वरना मेजरली डिसीजन जो है वो दूसरे को लेने दें या अपने डिसीजन उनसे करवाएं और फायदा सबको मिलेगा इंशाल्लाह। हुकूमती और साहब हैसियत लोगों से मोहतात रहें, ठीक है। और अपने बच्चों की जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, उसको लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना है आपने, क्योंकि खुदा ना खास्ता बच्चों के बीमार वगैरह होने का इम्कान है, अल्लाह ना करे। खानदानी जायदाद और ऐसे दीगर मामलात जो भी हैं वो आपके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह। अगर इस वक्त विरासत या किसी पुरानी प्रॉपर्टी का उसकी उसको बेच के जो रकम की तकसीम का मामला है तो उसको भी फिलहाल टाल दें, वरना ये है कि आपको मतलूबा नतायज फिलहाल नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट वीक तक उसको ड्रैग ऑन करें। बाकी जाती तौर पे जो लोग कारोबार कर रहे हैं ना, अपना जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए इस वीक में बेहतरी नजर आती है इंशाल्लाह। शिनाख्ती कारोबार से जो व्यवस्था अफराद है अपने डिसीजन मैंने कहा खुद नहीं लेना आप लोगों ने। औलाद और शरीक हयात के साथ सैर तफरी के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह। उम्र में जो बड़े लोग हैं उनसे वाबस्ता अगर कोई काम दरपेश है वो भी अल्लाह ताला हल फरमाएगा, मगर उसकी परसेंटेज जो है ना पॉजिटिविटी की वो 50-50 है, ठीक है इस तरह से। अच्छा जो लोग एडिशनल इनकम के लिए इनामी स्कीमें, लॉटरीज वगैरह दूसरे ममालिक में खेल रहे हैं, पाकिस्तान में तो आपको पता है सिर्फ प्राइज बॉन्ड्स हैं, उनके अंदर भी जो लोग इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं उनको इस वीक में काफ़ी फायदा होता हुआ वो नज़र आता है इंशाल्लाह ताला। और ये है कि ज़मीन की जो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं जायदाद की वो भी ज़रा थोड़ा सा सोच समझ के करना है आपने, क्योंकि नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि माशरे में इज्जत जो है ना वो आपकी और बेहतर होती हुई आप लोगों को नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा आप लोगों ने हुजूर करना ये है कि
सदकात देने हैं मुस्तहिकीन को, मुस्तहिकीन जो हैं अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, अजीज रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, महल्लेदार ये भी हो सकते हैं, इनको दें। अनाज खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सदके में दें और बता के दें कि जनाब ये सदका है, इसको काइंडली एक्सेप्ट कर लें। और दूसरा आप ये करें कि सदका जो है ना रद्द बला है, सदका ज़रूर दिया करें, जो कैपेसिटी है आपकी इतना सा दे दें सदका, इतना सदका दे दें। अल्लाह ताला ने क्वांटिटी तो देखनी नहीं होती, नीयत अल्लाह ने देखनी होती है। सदका दें, अगर आप ज़्यादा अफोर्ड करते हैं तो फिर ज़्यादा दें, उस वक्त अगर आप कम देते हैं तो वो फिर अल्लाह ताला सवाल करेगा आपसे। अच्छा बहरहाल, इसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि अपने जो दीनी मामलात हैं उनको ठीक रखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपना कॉन्टेक्ट प्रॉपर इस्टेब्लिश करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम कसरत से भेजना है, इस्तग़फ़ार जो है वो कसरत करनी है। और इसके अलावा आप लोगों ने सूरह ज़ख़रफ़ जो है ना उसकी तिलावत करनी है, एक मरतबा कर लें, इसको आप पढ़ सकते हैं इशा की नमाज के बाद ही पढ़ें आप इसको, और दूसरी पढ़ें 11 मरतबा पहले, 11 दफ़ा बाद, और अल्लाह ताला की नेमतों से, रहमतों से, बरकतों से इस पाक महीने के सदक़े में फ़ायदा उठाएं। अगला बुर्ज हमारा जो है वो है बुर्ज दलव जिसको बोलते हैं, एक्वेरियस इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका जो टाइम है वो 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का शुमार किया जाता है। हाकिम सयारा इस तरह, वैसे तो जुहल है और मगर यूरेनस भी जो है, यूरेनस जो है वो भी है, और इससे मंसूब हरूफ जो हैं वो सीन है, शीन है, से है, स्वाद है, ठीक है। इंग्लिश का अगर हम हर्फ पकड़ें तो एक ही है, एस बनता है। और जो दिन है इससे मंसूब वो हफ्ते का दिन है, दिन सारे मेरे अल्लाह ने बेहतरीन बनाए हैं, मंसूबात की कोई ख़ास वजूहत वो जानता। और उसके बाद जो इसका है ना लकी नंबर वो है नंबर 4, और इससे मंसूब जो रंग है वो नीला रंग है, ब्लू कलर है, और इससे जो मंसूब जेम स्टोन्स हैं जो आपकी तकदीर को तो यकीनन नहीं तब्दील कर सकते, हाँ बतौर दवा सेहत वाला काम हो सकता है वो भी, अगर अल्लाह ताला का हुक्म है तो। वो पत्थर जो है वो लाजवर्द है, नीलम है, और एमेथिस्ट जो है ये पत्थर है। और इसके बाद आप किया जाती है रीडिंग इस वीक की, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि आप अगर ताल्लुक़ रखते हैं बिज़नेस के शोबे से, आप जॉब करते हैं करती हैं, या फिर आप जो हैं हाउसवाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके नामों तो जो पहले रूफ है वो हैं, और अरसा जो है 21 जनवरी से 19 फरवरी तक का है, फिर आप समझ लें कि आप एक्वेरियस हैं, और ये ही रीडिंग इस हफ्ते की आपके लिए है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हफ्ता जो है इसमें खानदान वालों और खसूसन वालिदा का किरदार जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी में खासा अहम रहेगा, और जो लोग घर तब्दील कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए ये हफ्ता मुनासिब हफ्ता है, ज़रूर करें। जो फैसला भी लेंगे वो आपके हक में अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा इंशाल्लाह। शरीक हयात के साथ अपने रिलेशन्स जो है ना उनको ख़राब ना होने देना आपने, कोई बात ऐसी नहीं करनी, उनके साथ रिलेशन्स ठीक रखें। और वो अफराद जिन्होंने बैरून मुल्क सफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्हें इस हवाले से कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। और हुकूमती अफसरान से वाबस्ता जो काम है वो इस हफ्ते हल होते हुए नज़र नहीं आते, कोशिश आप अपनी जारी रखें, मुमकिन है कि इस हफ्ते के एंड पे आपके काम के लिए कोई सरकारी अफसर जो है वो यस कर दे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, ख़ानदानी ज़मीन या सवारी की फरोख्त के लिए ये वक्त एक अच्छा वक्त है, आपको हस्ब ख्वाहिश बेहतर कीमत जो है वो मिलती हुई नज़र आती है इंशाअल्लाह।
सैर तफरी और खेलकूद में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे बच्चे या थोड़े से जो बड़े हो रहे हैं, और दुश्मनों की वजह से जो है वो रुकावटों का सामना रहता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, अब आप ये देख लें कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, चाहे वो पार्टनरशिप में हो या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो, जाती हो, मेहनत और जिद्दोजहद अगर करेंगे तो फायदा आपको होता होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। औलाद के जो मामलात हैं उन पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी है, और सख्त मिजाज या तशद्दुद के हामी वालदैन जो हैं अपने रवैये को तब्दील करें और अपने गुस्से और परेशानी को भी औलाद से दूर रखें, औलाद पे जाहिर मत करें, और परेशानी जो है ना उसको आप खुद इनवाइट कर लेंगे अगर आप शेयर कर लेंगे तो, जाहिर ही नहीं होने देना आपने, और अपने जो हल्का अहबाब में लोग हैं उनसे मोहतात रहें, वो आपके लिए माली नुकसान की खुदा न खास्ता वजह बन सकते हैं। शादी के जो ख्वाहिशमंद ख्वातीन व हज़रात हैं उनको इस वीक के अंदर अच्छे रिश्ते मिलने की उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। अगर उम्र ज़्यादा है तो फिर रिश्ते में ज़्यादा कीड़े मकौड़े निकालने के बजाय छोटी मोटी नौकरी के साथ जो है वो आप कर लें गुजारा, आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि इस हफ्ते में जो एनर्जी पैटर्न्स हैं इस हिसाब से कि वो आगे जाके डेवलपमेंटल फेज में एंटर हो जाएंगे बेहतर तरीके से। और कर्जा लेने के लिए जो कोशिशें आपने की थी वो नहीं पूरी होती नजर आएंगी, ज़हनी परेशानी का शिकार जो है वो नहीं रहना आपने, आपने कोशिश ये करनी है कि अपने आप को एंगेज इन्वॉल्व रखें और उसके कामों में, तो फिर चीज़ें ठीक रहती हैं इंशाल्लाह ताला। घरेलू माहौल जो है आपका ठीक रहेगा इंशाल्लाह ताला, और मुलाजमीन से वाबस्ता जो काम है वो आपके ठीक होते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह ताला। और अंदरूनी मुल्क अगर सफ़र करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता कोई मुनासिब हफ्ता नहीं है, आप जिस मकसद को भी लेके करेंगे कोई ख़ास कामयाबी आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। कानूनी नौयत के जो दरपेश मसाइल हैं उनका फैसला इन दिनों में मुमकिन है इंशाल्लाह ताला, और ये फैसला आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा इंशाल्लाह ताला। इनामी स्कीमें और लॉटरी वगैरह जो लोग ले रहे हैं उनके लिए कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है इस वीक में, औलाद पे आप लोगों ने नज़र रखनी है, खुदा न खासा कोई ऐसा कदम ना उठा लेंगे जिसकी वजह से उनको या आपको परेशानी का कोई सामना करना पड़े। आपके जो है ना खाने पीने की अशिया उनको आपने वॉच करना है, खाने पीने की रूटीन्स को देखना, रुझान आपका चूँकि ज़्यादा रहेगा तो बड़े बैलेंस तरीके से आप लोगों ने चलने की कोशिश करनी है, वरना खुदा न खास्ता सेहत की जो ख़राबी है वो हो सकती है। तो इस हफ्ते में आप अगर कोई प्रपोजल बिजनेस से रिलेटेड है या आप समझ लीजिए मैरिज से रिलेटेड है, इंगेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, कोवर्क से रिलेटेड है, अगर आपको आती है ऑफर पाइसेस सॉरी एक्वेरियस की तरफ से तो आपने अपना जो ये मौका है ये जाने नहीं देना, ठीक है। ये रिलेशन इस वीक में जो इस्टेब्लिश हो जाएगा एक्वेरियंस के साथ वो एक बेहतरीन रिलेशन में ब्लूम करेगा, ग्रो करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम बात करते हैं सदकात की। सदकात जो है वो हमेशा दें अनाज से रिलेटेड चीज़ों के, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, और दें मुस्तहिकीन को। मुस्तहिकीन में बताया है कि हमेशा देख के देना है कि जो मुस्तहिक है उसको दें। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जो चरिंद परिंद हैं उनकी खिदमत भी हमारी फ़र्ज है ना, हम नहीं करना है तो सदका उनको भी दें, ठीक है, दाल दे दें, बाजरा डाल दें, छोटे चावल डाल दें, कुछ भी करें उनकी खिदमत भी लाजमी करें। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाल रंग की जो बींद होती है ना दाल जो होती है, इसका सदका इस हफ्ते में ज़रूर करें एक दो दफ़ा, एक किलो दाल दे दें, आधा किलो दे दें, जो आपकी तौफीक है वो सदका दें, उतनी मतलब क्वांटिटी में सदका दें। इसके अलावा अपनी जो क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट जो है अल्लाह के साथ वो इस तरह का रखें कि अल्लाह ताला जो है वो आपको अपने और करीब करें, उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करें, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ से मतलब आपकी तरफ अपनी रहमत की बारिश जो है वो नाजिल फरमाएगा इंशाल्लाह।
बाकी जो भी आपका मजहब है, जो भी मसलक है, जो भी फिरका है आपका, अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपनी लौ को लगा के रखें, उसकी मखलूक के साथ जो है ना वो अच्छा सलूक हमेशा उसको इस तरफ लाता है कि वो अपना वो रूप दिखाए कि जो 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाली पाक ज़ात है। तो चरिंद परिंद हैवान इंसान सब का ख्याल रखें, और इसके अलावा दुरूद पाक जो है उसको कसरत से पढ़ा करें, अस्तगफार कसरत से किया करें। इसके अलावा इस हफ्ते की जो सूरा है वो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ जनाब। आपने सूरह तूर जो है ना, सूरह तूर उसकी तिलावत करते रहना है हर रोज इशा की नमाज के बाद 11 दफा दुरूद शरीफ पहले और 11 दफा आखिर। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम स्पाइसेस पे हैं इस वक्त, जो हमारा आखिरी इस वक्त टॉपिक है, बुर्ज है, वही हॉथ जिसको कहते हैं कई लोग। अच्छा, मैंने इसको ना कुरान पाक में देखा है, ये वर्ड जो है इसको हूत कहा जाता है। सूरह कहफ में अगर हम पढ़ते हैं तो इसको हूत कहा जाता है, तो हूत हम कहेंगे आज से इसको। और मेरे भी इल्म में नहीं था, कुरान पाक की बरकत से पता चला। तो स्पाइसेस का जो अरसा है वो 20 फरवरी से 20 मार्च तक का है। कई लोग इसको हौथ भी कहते हैं, शायद अराब से पहले, अराब जब लगे हैं, हजार बिन यूसुफ ने जो लगवाए हैं अराब कुरान पाक पे, या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है ये बात, उससे पहले हौथ भी कहा जाता हो हूत बारह। अच्छा, इसका जो हाकिम सियारा है वो है मुश्तरी, नेपचून भी इसका हाकिम सियारा है, मुश्तरी भी है, और इससे मंसूब जो हरूफ हैं वो है दाल और चे। जो अफराद, जो भी आपका मतलब जेंडर है, इस अरसे में पैदा हुए हैं या इन हरूफ से आपके नामों के ये पहले हरूफ हैं, तो आप समझ लें कि आपका वर्ड जो है वो पाइसेस या हूत है। अच्छा, दिन जो मंसूब है इससे जुमेरात का दिन है, लकी नंबर इसका 3 है, और दिन जो जुमेरात है, दिन सारे बेहतरीन होते हैं अल्लाह ताला के। और इससे जो रंग मंसूब है ना, जो आपकी शख्सियत पे बड़ा अच्छा, बड़ा गहरा, खूबसूरत असर डालता है, वो रंग नीला रंग है या सब्ज रंग है। ठीक है जी। अच्छा, अब पत्थर तकदीर तो नहीं तब्दील करते, मगर अगर बतौर दवा अल्लाह का हुक्म है कि आपको अल्लाह का हुक्म इनको हो जाए कि इसको शिफा दो, तो फिर ये दवाई के तौर पर हेल्प करते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो तकदीर नहीं बदलते। जर्द अकीक, जर्द पुखराज और ब्लड स्टोन जो है ना वो आप पहन सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा कई लोग पुखराज रेकमेंड करते हैं, मरजान भी, मोंगा भी, मतलब ये मुख्तलिफ है, मगर ये तकदीर नहीं बदलते। अच्छा, इसके अलावा इसका जो दिन है मैंने वो बता दिया आपको, इस दिन आपने एक काम करना है, जुमेरात का दिन मैंने आपको बताया, तो इस हफ्ते में जो जुमेरात आए आपने ख़ास तौर पे, ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में मुमकिन है मेरे जहन से स्लिप हो जाए, हूत वालों के लिए जुमेरात का इस हफ्ते का जो दिन है, आपने कम अज़ कम 500 मरतबा जो है ना कोई सा भी दुरूद जो है वो आप पढ़ लीजिए। देखें, अव्वल नंबर पे तो दुरूद इब्राहिमी है, उसके बाद अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो भी दुरूद पढ़ना चाहें वो आपने कम अज़ कम जुमेरात वाले दिन 500 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। स्पाइसेस वालों के लिए ना एक ख़ास टाइम है, जुमेरात का पूरा दिन है, तो आपने उस दिन ये पढ़ के अल्लाह ताला से अपने जो भी जुमला मकासद हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, उसके लिए दुआ मांगनी है। अच्छा, अब हम आते हैं जी आपका जो इस हफ्ते की रीडिंग है उसकी तरफ। रीडिंग जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका ताल्लुक बुर्ज हूत से है और बिजनेस से हैं, आप हाउसवाइफ हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जिस वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक है, आपका बुर्ज अगर पाइसेस है तो ये आपके लिए। इस वीक में जनाब जो अफराद बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश कर रहे हैं या ख्वाहिशमंद हैं, उनकी ये ख्वाहिश जो है इन दिनों में पूरी होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। और दुश्मन जो हैं वो आपके खिलाफ बड़ा कुछ करने की कोशिश करेंगे, कोई कुछ नहीं बिगड़ता आपका इंशाल्लाह ताला। बहन भाइयों के साथ ताल्लुक आपके जो हैं वो बेहतर रहते हुए नज़र आते हैं, और कर्जा लेना चाह रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं,
करें, अपनी अपनी कोशिश इस हफ्ते में भी जारी रखें। ये अगले हफ्ते में जाके आपको इंशाल्लाह रिजल्ट इसका मिल जाएगा, मगर ये कि इस वीक में कोशिश आपने जारी रखनी है। अच्छा, दूसरा ये कि विरासत वगैरह का अगर कोई मसला है जायदाद का, तो ये कोशिश इसके लिए कोशिश करें, हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये है कि बैरून मुल्क सफ़र की कोशिश भी रखें, ख़ास तौर पे वो अफराद जिनके वेस्ट साइड के वीज़े पिछले साल रिफ्यूज़ हुए हैं 2023 में, वो इस साल जो पाइसियंस हैं वो कोशिश करें, वो अल्लाह ताला बेहतरी फरमाएगा इंशाल्लाह ताला। गुफ्तगू में लोगों के साथ ज़रा नरमी वाला रवैया रखना, तलखी और ओवर प्रोफेशनल होकर बात करने की ज़रूरत नहीं। और ननियाली रिश्तेदार जो हैं उनसे वाबस्ता जो काम है वो आपके हल होते हुए नज़र नहीं आते, बाकी जो पर्सनल अपना ज़ाती बिजनेस कर रहे हैं उनके काम में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। कारोबार के सिलसिले में अगर आप अंदरून मुल्क सफ़र वगैरह करना चाह रहे हैं वो भी इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहता हुआ नज़र आता है। बाकी ये है कि जो आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं उनकी तवज्जो तालीम की तरफ भी है और वो तालीम में बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र भी आएंगे, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो अपने अंदर फील करेंगे और बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। और माली हवाले से ये हफ्ता ठीक है, यानी एडिशनल इनकम के जो ज़राए हैं वो भी पैदा होंगे, एडिशनल इनकम भी अल्लाह ताला आपको अता करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस हफ्ते आपका जो बेस्ट सूटेबल मैच है वो बनता है जेमिनी के साथ, इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ। किसी ने मुझे क्वेश्चन भी किया था जी कि फलाने का फलाने के साथ होता है या फलाने, वो ठीक है होता है, मगर मैं वीकली जो मैच है ना एनर्जी पैटर्न का मैं वो बताता हूँ आपको कि इस हफ्ते किन किन प्लैनेट्स की या किन किन ज़ोडियक साइंस की एनर्जीज जो हैं वो मैच एंड मीट कर रही हैं मैं वो बताता हूँ, ठीक है। दोस्ती है, कोई बिजनेस का ताल्लुक है, कुछ है, अगर आपका जेमिनी के साथ अटैचमेंट हो रही है ज़रूर करें, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करम फरमाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा जनाब आपने सदकात जो देने हैं वो मैं वो यस करता हूँ, अनाज से रिलेटेड सदकात जो हैं वो दें और मुस्तहिकीन को दें, चरिंद परिंद को दें, पानी का बंदोबस्त करें परिंदों के लिए, और अगर घर में मिसाल के तौर पर कोई बिल्ली आ जाती है, कोई बिल्लियाँ आ जाती है, कोई और इस तरह की चिड़ियाँ हैं कुछ, तो उनके लिए फूड का बंदोबस्त जो है वो आप ज़रूर करें, आप करते भी हैं और आप करते भी हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जनाब जो जिक्र अज़कार है वो करें, रोज़े हैं उनको प्रॉपर रखें, अपनी नमाजें हैं बातें वो उनको प्रॉपर करें। इसके अलावा आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से है, अपना रवैया अल्लाह की मखलूक के साथ बेहतर रखें, अल्लाह का रवैया आपके साथ हमेशा बेहतर ही रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हुज़ूर वाला आपने करना ये है कि दुरूद व सलाम की कसरत, अस्तगफार की कसरत ये करते रहें, और आपने इस हफ्ते में सूरह कमर जो है, सूरह कमर इसकी आपने तिलावत जो है वो फजर की नमाज के बाद आपने करना है। आपके लिए ये ज़्यादातर मैंने बुरूज को बताया इस बार कि इशा की नमाज के बाद आप लोगों ने एक मरतबा जो है सूरह कमर पढ़नी है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ते रहना है और अल्लाह की नेमतों को समेटते रहना है इंशाल्लाह।